हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल री स्टाइल विद पायल। में आज मैं आपके साथ अपने डिशवॉशर के बारे में रिव्यू शेयर करूंगी। मुझे अपने डिशवॉशर को यूज करे हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, सो मैं अपना रिव्यू मतलब मेरा जो फीडबैक है मैं इसके बारे में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। एंड हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा IFB का डिशवॉशर है जो मैंने लास्ट ईयर मई में लिया था। सबसे पहले तो मतलब बहुत लोगों को डिशवॉशर के बारे में नहीं पता होता है और काफी लोगों को पता भी है, बट जिनको नहीं पता है मैं मेरा वीडियो हेल्पफुल हो जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉशर यूज करने के पहले मेरा भी एक मिथ था कि शायद ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। बट ये वीडियो और इसके बारे में शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए सुटेबल नहीं है। बट हाँ, आपको क्या करना है, आपको मतलब अपने जो यूटेंसिल्स है वो तो या तो ग्लास के हो या फिर गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक एंड सेकेंड स्टेनलेस स्टील। आप इसमें एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक और आयरन के यूटेंसिल्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। मतलब करने के लिए कर सकते हैं बट मे बी शायद उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आए। हम इसमें ग्लास के गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक होता है वो यूज कर सकते हैं एंड स्टेनलेस स्टील तो इसमें यूज कर ही सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको जो थोड़ा लो क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है वो यूज करना है तो ये भी मैं आपको इसमें काफी सारे फंक्शंस है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक मशीन का ये लुकआउट दे देती हूँ। सो ये मेरा डिशवॉशर है, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैं यूज कर रही हूँ बट फिर भी अभी एकदम न्यू जैसा ही दिखता है। ये 15 प्लेट सेटिंग है, मतलब डिशवॉशर में प्लेट्स के हिसाब से सेटिंग आती है तो ये IFB का सबसे बड़ा मॉडल है 15 प्लेट सेटिंग का। ये मैंने ऑर्डर किया था एंड मेरे फ्रिज का कलर भी समथिंग ग्रे, डार्क ग्रे में है तो मैंने भी इसे थोड़ा ग्रे का ही शेड रखा है। सो जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन होती है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसका फंक्शन भी समथिंग ऑलमोस्ट सेम वैसा ही। आपको डिटर्जेंट डालना है, अपने बर्तन डालने हैं और प्रोग्राम सेट करके रख देना है। फिर मतलब इसमें जो बर्तन होते हैं वो आराम से ड्राई होके, या मतलब ड्राई होके आपको बर्तन इससे निकाल के पोंछने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें बर्तन वॉश होके ड्राई होके मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है सेम इसका भी मतलब प्रोसेस उसी टाइप का इंस्टॉलिंग का। लाइक आपको एक इनलेट का पाइप चाहिए और एक आउटलेट का, मतलब जो अगर पानी अंदर का आने का और पानी बाहर जाने का, बस आपको ये दो चीज चाहिए और मेन एक बोर्ड चाहिए, दैट्स इट। बाकी इसका ज्यादा मतलब इंस्टॉलेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो मैं आपको इसका मॉडल नेम है नेपच्यून SX1, ये IFB का है। डिशवॉशर में काफी सारे ब्रांड्स है, लाइक LG है, सैमसंग है। सो मैंने मतलब थोड़ा सा YouTube के थ्रू ही, मतलब YouTube बेस्ट चीज है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप YouTube में सर्च किए आपको सारा नॉलेज उसमें मिल जाता है। सो मैंने भी इसके बारे में YouTube में काफी रिसर्च किया। मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज थी कि मतलब ये यूजफुल होगा या नहीं होगा। मुझे थोड़ा लगा था कि मे बी शायद इसमें बर्तन उतने इजिली क्लीन ना हो, बट जैसे कि मैंने लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना है तो फिर आपके जो सारे बर्तन है वो एकदम क्लीन एंड ड्राई निकलेंगे। ऐसा सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि अभी कोरोना मतलब चल रहा था तो, या फिर चल रहा है जो भी है, तो इसमें जो यूटेंसिल्स है वो काफी हाई टेम्परेचर के वाटर से वॉश होते हैं। सो काफी अच्छे से जो हमारे बर्तन है वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं, मतलब जो भी जर्म्स वगैरह है, जैसे नॉर्मली हम हैंड वॉश से करते हैं तो उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे से यहाँ पर स्टेरिलाइज हो जाते हैं बर्तन। लास्ट 1 ईयर के एक्सपीरियंस से जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये मेरा IFB का नेपच्यून SX1 इसका मॉडल है। ये मेरा डिशवॉशर है, ये स्टैंड में लगा है इसलिए इसकी हाइट इतनी है। सो ये इस ग्रे कलर में है। मैं आपको पहले इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने से पहले बता दूं कि ये फंक्शन की है, ये टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ बटन्स दी है। इसके फंक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके लुक ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया है, यहाँ पर आपको डिटर्जेंट इंसर्ट करना है और यहाँ पर रिंसेड एंड यहाँ एक जो दिया है यहाँ पर आपको सॉल्ट ऐड करना है। इसमें डिशवॉशर 3 चीजों से मतलब काम करता है, लाइक डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेड। इसमें 3 रैक्स दिए हैं जो कि इजीली रिमूवेबल है, मतलब अगर आपको रिमूव करना है तो इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। सो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आपके जो बड़े बर्तन होते हैं वो इसमें हम डालेंगे, लाइक जैसे थाली हो गई, कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, और इसमें हम लोग जैसे ग्लासेस होती है हमारी या फिर बाउल्स है वो सब चीजें डालेंगे। और जो सबसे ऊपर वाला रैक है ये स्पून के लिए दिया है। मैं आपको बर्तन भी इसमें डाल के दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं भी इसमें आप लोग को एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि डिशवॉशर एक्चुअली वर्क कैसा करता है। सो और हाँ, इसमें एक 15 प्लेट सेटिंग है तो इसमें 3 रैक्स दिए हैं
और आप ये भी इसकी जो सेकेंड रेट की जो है आप हाइट इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा हाइट थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़े से अगर ऊपर बड़े बर्तन रखने हैं तो आप इसकी हाइट नीचे कर लीजिए, और अगर आपको छोटे बर्तन रखने हैं तो आप इसकी हाइट ऊपर कर लीजिए। सो इस टाइप के ये सारे जो रेक्स है वो इजीली डिटैच हो जाते हैं, मतलब इजीली निकल जाते हैं। एंड ये वर्क ऐसे करता है कि यहाँ टू फैंस दिए हैं, आर्म्स, इन्हें आर्म्स बोलते हैं, जहाँ की पानी ऊपर से नीचे से आता है। सो ये सारे बर्तन इन जो स्प्रे के थ्रू जो वाटर आता है उससे क्लीन होते हैं। यहाँ आपको अपने बर्तन इंसर्ट करना है, डिटर्जेंट डालना है, देन फिर आपके जो वॉशिंग साइकिल्स होती है यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ जो फंक्शन की दी है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपके ज्यादा बर्तन है या ज्यादा गंदे बर्तन है या प्लास्टिक के या कांच के, उसके हिसाब से हम यहाँ पर फंक्शन सेट करेंगे, तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग फिर ये रन करेगा और उस हिसाब से आपके बर्तन क्लीन होंगे। एंड उसके बाद में बता दूं आपको कि वॉश जो भी थोड़ा बहुत आपका लेफ्ट ओवर होता है वो इसमें मतलब छन जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब मोस्टली हर वॉश के बाद आपको क्लीन नहीं करना है, आफ्टर वन वीक मतलब वीक में एक बार आप इसे क्लीन कर सकते हैं, जो कि इजीली रिमूवेबल भी है और आप इसे इजीली लगा भी सकते हैं। तो जो भी डर्ट या फिर जो भी लेफ्ट ओवर होगा आप इससे निकाल लेंगे, मतलब इसका यूज काफी ईजी है। मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताती हूँ। सो ये हमारी पावर बटन है, इसे ऑन करने से हमारा डिशवॉशर में जो सारे फंक्शंस हैं वो इजीली विजिबल हो जाएंगे। आपको कौन सा फंक्शन प्ले करना है ये आपके अकॉर्डिंग है, बट मैं पहले आपको, जैसे डिशवॉशर ऑन होता है तो अंदर इस टाइप से लाइट दी है कि अगर आपके बर्तन वॉश हो रहे हैं, अगर आपको मतलब देखना है तो आप देख भी सकते हैं, आप मतलब बीच में इसे ओपन भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पून्स के लिए रख दिया है, ये हमारे छोटे मोटे बर्तन लाइक ग्लास बाउल्स उनके लिए है, एंड ये लास्ट है जिसमें हम अपनी थाली प्लेट्स कुकर कढ़ाई प्लेस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, तो मतलब बड़े बर्तन ना होके कई बार ऐसा होता है कि प्लेट्स होती है, सो हम चाहे तो मतलब इतने नंबर ऑफ प्लेट्स हम यहाँ रख सकते हैं, बट कभी इनको हमारी थालियां या फिर प्लेट्स कम है तो हम इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं। इन्हें फोल्ड करने से क्या होगा कि यहाँ पर इजिली बड़े बर्तन आ जाएंगे। सेम फंक्शन ऊपर भी है, यहाँ पर भी हम यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं, और अगर हमें यहाँ कुछ बड़े बर्तन डालने हैं तो हम इन्हें फोल्ड करके भी यहाँ बड़े बर्तन डाल सकते हैं, मतलब सारे इजिली फोल्ड हो जाते हैं। इसके साथ में जो स्पून्स होते हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा इस टाइप की प्लेट्स दी है, बट मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है बिकॉज इतनी सारी मतलब स्पून्स नहीं रहती, इसमें काफी सारी स्पून्स आ जाती है, सो मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पून ज्यादा है तो आप इस टाइप की एक्स्ट्रा फोर प्लेट्स दी है, आप इन्हें भी इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको वन लगा के दिखाती हूँ। जैसे अगर आपके पास स्पून ज्यादा है तो आप इस टाइप से प्लेट्स लगा सकते हैं, और अगर स्पून उतनी मतलब नहीं है तो आप इन्हें इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन है, जैसे ही आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे ये सारे फंक्शंस इजीली विजिबल हो जाएंगे। मैं पहले आपको बटन्स के बारे में बता देती हूँ। ये सबसे पहले प्रोग्राम की बटन है, मतलब ये जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दिए हैं उन्हें सेट करने के लिए बटन दी है। एंड ये हाफ लोड, मगर अगर आपके आधे बर्तन हैं, कम बर्तन है तो उसके लिए हाफ लोड है। अगर आप रिंसेड या डिटर्जेंट के अलावा टैबलेट यूज करना चाहते हैं, इसलिए टैबलेट भी आती है, तो उसके लिए ये फंक्शन है। ये डिले टाइमर का है, ये एक्स्ट्रा हाइजीन, एक्स्ट्रा रिंस, एंड ये पोशन प्ले का बटन है। जैसे कि अगर आपने बर्तन इंसर्ट कर दिया और प्रोग्राम स्टार्ट है, अगर आपको उसमें से कुछ बर्तन निकालना है या वापस डालना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहती है पोशन प्ले की बटन। सो अब मैं आपको उसके प्रोग्राम्स के बारे में बताती हूँ। प्रोग्राम है ये 15 मिनट का प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ आपको डिटर्जेंट वगैरह कुछ नहीं लगता है, आपको मतलब आपके जो बर्तन ऑलरेडी वॉश्ड है या फिर कुछ धूल वूल रहता है तो उनके लिए ये 15 मिनट्स का प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ पानी से बर्तन वॉश होंगे। सेकेंड प्रोग्राम है ये जेट वॉश का, जो कि 14 मिनट्स का है। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा एकदम लाइट डिटर्जेंट यूज होता है, इसमें आपके बर्तन बहुत ही कम मतलब टेम्परेचर में वॉश होंगे। जैसे कुछ प्लास्टिक के आपके बर्तन होते हैं जो काफी लाइट प्लास्टिक होता है, जिन्हें पिघलने का डर रहता है, तो आप इसमें ये बर्तन वॉश कर सकते हैं। फिर थर्ड फंक्शन है वो 30 मिनट्स का है, इसमें आपके जो बर्तन है उसका जो टेम्परेचर रहता है वाटर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है, और 30 मिनट्स का प्रोग्राम रहता है ये। इसमें आप अपने मतलब जो एकदम आप जो बर्तन चाहिए जो कम गंदे हो और आपको थोड़ा जल्दी चाहिए कि वॉश करना, तो आप ये फंक्शन भी कर सकते हैं। एंड फोर्थ इसका जो है वो इको वाला है, मतलब ये फंक्शन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है, वाटर भी कम लगता है, तो इसीलिए इसका नेम इको फंक्शन है। इसमें आपके बर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉश होते हैं, एंड इसका टाइमर है 2 घंटा 51 मिनट, मतलब 2 आवर्स एंड 51 मिनट्स में आपके बर्तन वॉश होंगे। एंड इसका जो फिफ्थ फंक्शन है
इसको सुपर 50 भी बोलते हैं, मतलब 50 मिनट्स में आपके बर्तन वॉश होंगे। एंड इसमें आपके टेम्परेचर जो रहेगा वाटर का वॉश होने का, वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सो एज इसका सिक्स्थ फंक्शन है वो 1 आवर एंड 32 मिनट्स का है। इसमें आपके बर्तन 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक वॉश होंगे, टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपके जो बर्तन है वॉश होंगे। सो एंड जो सेवन प्रोग्राम है वो 2 आवर्स एंड 1 मिनट का है। इसमें आपके बर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉश होंगे। एंड जो लास्ट फंक्शन है वो 2 आवर एंड 59 मिनट्स का है, मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर का है, जिसमें आपके बर्तन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके बर्तन वॉश होंगे, जो काफी अच्छा खासा टेम्परेचर है। एंड हाँ, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, और आप इसमें आपके जो एकदम गंदे से गंदे बर्तन है वो आप इजीली वॉश कर सकते हैं, क्योंकि और इसमें हाँ बर्तन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज हो जाते हैं। मतलब सारे फंक्शन में स्टेरिलाइज होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बट मैं जो डेली प्रोग्राम यूज करती हूँ, क्या होता है मतलब इसका तो मतलब मैनुअल में दिया है कि जो इको फ्रेंडली वो सबसे अच्छा है, इको जो 2 आवर्स एंड 51 मिनट्स का, बट डेली बेसिस में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे बर्तन वॉश करने के लिए दूं, तो मैं इको के अलावा इको ना यूज करके मैं जो सुपर 50 होता है इसमें 50 मिनट्स में मेरे बर्तन वॉश हो जाते हैं, वो भी 65 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है आपके बर्तन वॉश करने के लिए। सो मैं सुपर 50 में अपने डेली में अपने बर्तन वॉश करती हूँ। एंड मेरी जो फैमिली है वो 2 मेंबर्स की है और एक छोटा बेबी है। सो मतलब दिन में एक बार मतलब मैं इसमें बर्तन वॉश करती हूँ, जो काफी मतलब अफोर्डेबल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी खास लगती नहीं है। जैसे कि इसमें जो आपकी पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो 267 किलोवाट आवर पर एनम है। एंड जो इसमें वाटर यूज होता है वो 2520 लीटर होता है। नॉर्मली हम लोग अगर उसमें वॉश करते बर्तन वॉश बेसिन में, तो इससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी में पानी यूज होता है। सो एज कम्पेयर टू हैंड वॉशिंग, इसमें पानी का भी जो कंजप्शन है काफी कम है। एंड 15 प्लेस सेटिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 45 dB इसका जो मतलब नॉइज है वो 45 dB है। मतलब इतना साइलेंट है ये कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बर्तन वॉश हो रहे हैं, और बहुत ही कम टाइम में आपके बर्तन वॉश हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रिसिटी स्टार रेटिंग है A++। सो ये काफी अच्छा है। एंड हाँ, इसके बारे में एक और, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे बर्तन वॉश हो रहे हैं, जैसे 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का 3 घंटे का, हमारे बर्तन वॉश हो रहे हैं और लाइट चली गई है और आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स लाइट वापस आ गई, तो जो फंक्शन जहां जिस टाइम पे रुक गया था उसी टाइम से फिर वो फंक्शन स्टार्ट होगा। चाहे 1 घंटा भी मतलब अगर लाइट आपकी नहीं है तो आफ्टर 1 आवर वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर रुक गया था। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से, काफी सारे डिशवॉशर ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, लाइक कि अगर आपके बीच में लाइट चली गई तो वो वापस से फिर स्टार्ट करता है, बट इसमें ये फंक्शन ऑलरेडी दिया है। अगर आपकी 2 घंटे 1 घंटा जितना भी मतलब आवर्स आपकी लाइट गई है, तो जहां तक ये फंक्शन इसने ऑलरेडी कर चुका है, जहां तक ये पहुंच गया, उसके नेक्स्ट से वो स्टार्ट करेगा। मतलब इसमें ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, जो कि मुझे लगा 2-3 बटन्स बताई थी, बट मैंने इनका फंक्शन आपको नहीं बताया था। डिले टाइमर का है कि अगर आप चाहते कि आपका मतलब टाइम आप डिले करके इसे यूज करें तो उसमें आपको यूज करना, बाकी मैं मोस्टली ये यूज नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली सुपर 50 यूज करती हूँ, बट इसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम ऐड कर देती हूँ, जो कि एक्स्ट्रा हाइजीन और एक्स्ट्रा रिंस। इससे क्या होता है कि आपके बर्तन थोड़े से हाई टेम्परेचर में भी वॉश होते हैं, और एक्स्ट्रा रिंस मतलब आपके बर्तन एक बार और वॉश होते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ एक्स्ट्रा हाइजीन का भी सिंबल आ गया और एक्स्ट्रा रिंस। क्या हुआ कि आपके 25 मिनट्स इंक्रीज हो गए, वो इसीलिए इंक्रीज हुए कि इसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर में बर्तन एक बार वॉश होंगे, और रिंस मतलब एक्स्ट्रा रिंस मतलब इसमें एक बार मतलब आफ्टर वॉश आपके बर्तन एक बार और पानी से वॉश होगा। सो मैं ये सुपर 50 के साथ ये फंक्शन भी यूज करती हूँ, प्रॉपरली स्टेरिलाइज होते हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मेरे कि मैं इसमें कैसे बर्तन वॉश करती हूँ और कैसे बर्तन इसमें से निकलते हैं। सो अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटा 15 मिनट इतना टाइम हम बर्तन के लिए देंगे तो ये काफी ज्यादा है, बट बिलीव मी, अगर आप सोच रहे कि 1 घंटा बहुत ज्यादा है, तो जैसे कि हम हैंड से बर्तन वॉश करते हैं तो उन्हें वॉश करने का टाइम, उन्हें सुखाने का टाइम, फिर उन्हें पोंछ के वापस बर्तन जमाने का टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब एकदम वर्थ इट टाइम है। मतलब अगर आप इसमें बर्तन डाल दे, अपना कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे एंड हो गया, और आपके बर्तन एकदम इजीली वॉश होके इवन पूरे ड्राई होके बर्तन इसमें निकलते हैं। मतलब इसमें इसके बाद इसमें वॉश करने के बाद आपको बर्तन ना ही ड्राई करने की जरूरत है, ना ही पोछने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको अपने रेक्स जो आपके किचन रेक्स होता है वहां पर डायरेक्टली जमाने की जरूरत है। परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, इसका प्राइस मतलब अभी करंट प्राइस 45,000 है, बट मतलब कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, जैसे आपको सबको पता है कि ऑनलाइन में जो होता है प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो हमें डिस्काउंट करके ऑलमोस्ट 43,000 का पड़ गया था। जो इसका स्टैंड है ये हम लोग ने अलग से लिया था, इसमें व्हील्स लगे हैं, एंड इसका प्राइस हमें अराउंड
1250 का पड़ा था। मैं दोनों प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से जो उसके करंट प्राइसेस है वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि हमने जैसे इसे परचेज किया था, हमने अनबॉक्सिंग तो इसकी कर ली थी बिकॉज अगर कोई डैमेज वगैरह हो तो चेक करने के लिए, बट हाँ इंस्टॉलेशन के लिए जो बंदे थे वो 2 डेज बाद आए थे। सो इसमें आपको कुछ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, आपको सिर्फ इनलेट और आउटलेट का मतलब जो पाइप है उसका आपको बस वो करके रखना है, बाकी वो बंदे आके आपको बता भी देंगे काफी सारी चीजें कि कैसे क्या यूज करना है, क्या परफेक्ट है। बट हाँ, ये IFB का है डिशवॉशर, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसके साथ IFB का ही सॉल्ट यूज किया था और IFB का ही डिटर्जेंट मैंने यूज किया है इसमें। आई होप आपको डिशवॉशर के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, एंड हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, इनकेस मैं जब भी फ्यूचर में वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।